फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं, या हम जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सो मैं आज आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वही सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं सब आपसे शेयर करूंगा। मैं कुछ भी फालतू की बकवास नहीं करूंगा या कुछ भी अपनी वीडियो को बड़ा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। जो भी एकदम जेन्युइन फैक्ट्स हैं जो पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ वही सब मैं आपको अपने शेयर करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको सिर्फ आज 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको 5 पॉइंट के बाद ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपका कंटेंट, एंड सेकंड आपकी कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड जो आपका होता है वॉच टाइम, एंड फोर्थ होता है आपका थंबनेल, एंड फिफ्थ होता है टैग्स। मैं आपको इन पांचों के बारे में एकदम डिस्क्राइब करूंगा, एकदम क्लैरिफिकेशन देके समझाऊंगा कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम फर्स्ट पर आ जाते हैं अपना कंटेंट। सो आप अब बोलोगे ये कंटेंट हम क्या चूज करें, अगर हम न्यू यूट्यूबर है हमें क्या बनाना चाहिए। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है, आपको कुछ भी बनाना है, तो आपको सिंपली कुछ चूज करना होगा कि आपको क्या बनाना है एंड क्या नहीं बनाना है। आप जिस फील्ड में भी जाओगे आज के टाइम में यूट्यूब पे हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। सो आपको खुद चूज करना है आपको क्या बनाना है एंड क्या नहीं बनाना है। अगर आपने कुछ भी चैनल बनाना है, लाइक आपने कॉमेडी का बनाना है, लाइक आपने किसी भी चीज का बनाना है, पहले आप चूज कर लेना कि आपको क्या बनाना है। अगर आपने एक चीज में सिलेक्ट कर लिया कि आपको ये बनाना है, तो आप उसमें बढ़िया जाइएगा, पर चूज वो करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि लोगों को देख के आप किसी भी चैनल को चूज कर लीजिए। तो जैसे अब हम कंटेंट की बात करते हैं, जैसे कि अब मेरा चैनल है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपको भी ऐसे चैनल बनाना है तो आप बना लीजिएगा। तो अब बात आती है कंटेंट की, आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। कंटेंट भी आपको यूट्यूब ही देते हैं, एंड जो भी है सब्सक्राइबर भी यूट्यूब देगा, व्यूज भी यूट्यूब देगा, एंड वो टाइम भी यूट्यूब देगा, सब कुछ यूट्यूब देगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। लाइक अगर आपका कंटेंट आप कुछ इस तरह का बनाना चाहते हो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब पर हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। एक बार आप उन सारी वीडियोस को देखो, उन सारी वीडियोस को देखने के बाद जज करो कि इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे समझाया हुआ। सो आप अपने जोन से भी वीडियो बनाओ उस टॉपिक पर, आप कुछ यूनिक टाइप की बनाना कि हाँ लोग आए तो आपकी वीडियो को वॉच टाइम अच्छी तरह से दे। ये नहीं कि उन्होंने जैसा बनाया हुआ आप भी एग्जैक्ट वैसा ही कंटेंट बना दो, वैसे ही उन्हीं की लैंग्वेज कॉपी करके सेम वही, कुछ अपना अलग हटके डालने का ट्राई करो कि हाँ लोग जो भी आए आपके कंटेंट को देखे एंड वॉच टाइम दे। फर्स्टली आपका आएगा सिर्फ यही कि हाँ अगर आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। आप यूट्यूब से इजीली कुछ भी कंटेंट आप चूज कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप लिखोगे ना ऊपर यूट्यूब में जाकर पर यूट्यूब लिखोगे, तो ऊपर नीचे बहुत सारे उसके ऑप्शन आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, आपको वहीं से कंटेंट मिल जाएगा। सो आपको चूज करना है आपको क्या कंटेंट बनाना है, और कंटेंट कुछ ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा यूनिक हो, सबसे हटके हो, कि जो सभी, ये नहीं कि सबकी तरह बना देना, क्योंकि अगर आप सबकी तरह बनाओगे तो लोग आपको भी उतने वॉच टाइम देंगे जितना औरों को दे रहे हो, फटाफट स्किप करके आपकी वीडियो को एंड कर देंगे, एंड अगर वॉच टाइम कम रहेगा तो आपकी वीडियो की रैंक बिल्कुल नीचे चली जाएगी, क्योंकि आप न्यू यूट्यूबर, आपको कुछ हटके कंटेंट बनाना है कि जो भी आए आपके कंटेंट पे अट जमा रहे थोड़ी देर। सो क्योंकि आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, उससे आपकी ऑटोमेटिक रैंक भी, वीडियो की रैंक पुश होगी, वीडियो की रैंक पुश होगी तो व्यूज आएंगे। तो अगर ये मान के चलो कि आपके आपकी वीडियो पे 1000 व्यू आ गए, 1000 में से 100 ने बहुत अच्छे से व्यू करा, अच्छे से समझा आपकी वीडियो, 100 में से 10 101% आपकी वीडियो को, सॉरी 10 आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। सेकंड आज हमारा कंसिस्टेंसी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, लाइक अपनी जॉब कर रहे हो, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आप उस पर डेली काम करोगे जब ही जाके वो सक्सेसफुल होगा। ये नहीं कि आपने एक दिन करा, कि दो दिन करा, तीन दिन करा, चार दिन करा, फिर बोर हो गए, नहीं यार आप सेकंड को चूज करते, आपको ऐसा नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, आपको पहले तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करनी है, दो वीडियो पोस्ट करनी है, तीन वीडियो पोस्ट करनी है, या आपने 3 दिन में 1 वीडियो पोस्ट करनी है, या आपने 1 वीक में 1 वीडियो पोस्ट करनी है। पहले आपको खुद जज करना होगा कि आपको कितनी वीडियो पोस्ट करनी है। सो जैसे कि आपने लगा लिया कि मुझे दिन में 1 वीडियो पोस्ट करनी है, सो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये लग रहा हो कि यूट्यूब पे की प्रमोशन लगाना पड़ता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूट्यूब हर वीडियो का, जो उन सभी न्यू यूट्यूबर है, पुराने यूट्यूबर है, खुद उसका प्रमोशन डालता है। प्रमोशन कैसे डालता है शायद आपको पता नहीं होगा, यूट्यूब हमारी वीडियोज के इंप्रेशन भेजता है। तो अगर सामने वाले पे डिसाइड करता है कि हमारी वीडियो को ओपन करता है
या नहीं करता, अगर वो ओपन करता है एंड वो उस टाइम अच्छा देता है तो आपकी वीडियो रैंक करती है, इंप्रेशन जरूर भेजता है। सो जैसे आपने कई बार यूट्यूब चलाया होगा, आपके सामने बहुत रैंडम सी जितनी वीडियो आती है वो इंप्रेशन के थ्रू ही आती है। सो जो आप भी वीडियो बनाओगे आपकी वीडियो भी इंप्रेशन के थ्रू ही आगे जाएंगी। एंड आगे आपकी वीडियो एक बार इंप्रेशन के थ्रू किसी के पास चली गई एंड उसने ओपन करके देख ली, तो ये लगा लो कि आप नेक्स्ट वीडियो जोन से भी अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिक उस बंदे के पास जाएगी जाएगी। एंड पहले वाली आपकी वीडियो अच्छी रही होगी तो सेकंड वाली को ओपन करके जरूर देखेगा। सो वीडियो में जैसे कि पहले बताया, कंटेंट ऐसा बनाना है कि अगर किसी बंदे ने आपके चैनल को एक बार ओपन किया तो वो जोन से भी आपकी वीडियो अपलोड हो तो वो उसको ओपन करके देखिए। एंड कंसिस्टेंसी का यही मीन है कि अगर आपका किसी के पास आपकी वीडियो गई है एंड उसने ओपन किया तो सेकंड टाइम आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे, चाहे उसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हो या नहीं किया हो, बट उसके पास वीडियो जाएगी एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो वो देखेगा। सो आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। अब थर्ड टाइम, थर्ड आता है आपका वॉच टाइम। वॉच टाइम तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका वीडियो की वॉच टाइम अच्छा है तो आपकी वीडियो रैंक करेगी। एंड आप जितना ट्राई हो सके वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाने का ट्राई करो, 8 से 15 मिनट की वीडियो बनाने का ट्राई करो। 8 से 15 मिनट की वीडियो बनाओगे तो उस पर लोग ये लगा लो कि अगर 15 मिनट की वीडियो, कम से कम लोग 5 मिनट का उसे वॉच टाइम देंगे ही देंगे। अगर 5 मिनट का वॉच टाइम भी दे रहे हैं तो ये लगा लो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी वीडियो पर, क्योंकि लोग कोई भी पूरी वीडियो किसी की भी नहीं देखता, सिर्फ स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। सो जितना ट्राई हो सके, अगर आप स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो थोड़ा सा लेंथी बनाना स्टार्ट करो। एंड ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करें जो अपनी वीडियो को लॉन्ग बनाने के लिए, एक जेन्युइन कंटेंट बनाना है कि लोग आए तो देखे एंड उनको भी मतलब कुछ नॉलेजफुल बनाना है कि हाँ उनको भी कुछ नॉलेज मिले या उनके लिए जिस चीज की हेल्प के लिए ढूंढ रहे हैं वो उसको मिले। सो अगर आप ऐसी कंटेंट बनाते हो तो लोग आएंगे, वो उस टाइम भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो उस टाइम आएगा तो वीडियो ऑटोमेटिक आपकी रैंक करेगी, वीडियो रैंक करेगी तो चैनल भी आपका रैंक करेगा। अब फोर्थ की बात आती है, फोर्थ की बात है हमारे थंबनेल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube इंप्रेशन भेजता है, अगर YouTube इंप्रेशन भेज रहे तो आप भी अगर आप YouTube ओपन करते हो तो आप सबसे पहले थंबनेल ही देखते होगे। अगर आप थंबनेल आपको अच्छा लगेगा जब भी आप वीडियो के अंदर एंटर करोगे, अदरवाइज आप स्वाइप अप कर दोगे। सो आपको थंबनेल एक ऐसा अट्रैक्टिव बनाने की अगर बाय चांस किसी के पास आपका इंप्रेशन जाता है तो वो बंदा उस वीडियो को ओपन करके देखे ही देखे कि अगर। एंड एक और बात बता दूं मैं, आजकल की यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके एक बंदे का पीछे चैनल भी डिलीट हुआ था, किस वजह से, उसने थंबनेल कुछ और लगाया था एंड जो अंदर उसकी इन्फो होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। सो आपने जो थंबनेल लगाना है, लाइक आपने ये लगा दिया कि हाँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, अगर आपने ये लगाया तो उस चैनल जोन सी वीडियो होगी उसके अंदर आपको यूट्यूब के ही रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डालना होगा यूट्यूब के, जिससे उसका चैनल ग्रो हो, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसके पास जाएगी, जब ही जाके वो आपकी वीडियो को देखेगा एंड नेक्स्ट टाइम भी आप पे बिलीव करेगा कि हाँ ये बंदा कुछ भी क्लिकबेट नहीं डालता है, जो भी थंबनेल लगाता है वो उसमें वीडियो मिलती है। सो आपको भी जो थंबनेल लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो ऐसी डालनी है कि हाँ जो उस थंबनेल से मैच होती हो। सो हर जोन से बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब करे तो उसको बिलीव हो कि हाँ ये जो बंदा भी है ये एकदम जेन्युइन कंटेंट डालता है, कुछ भी फेक नहीं डालता। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पे आते हैं, फिफ्थ एंड फाइनल हमारा वही है कि टैग। सबसे मेन वर्क जो हमारा वीडियोज में करते हैं यूट्यूब पे, जो सबसे मेन वर्क करता है वो करता है टैग्स। टैग्स का सबसे मेन रोल रहता है, टैग्स दो जगह डलते हैं, एक तो डिस्क्रिप्शन पे डलते हैं एंड सेकंड डलता है आपको जो नीचे एक ऑप्शन होता है टैग्स का। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि हाँ कैसे यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड किए जाते हैं, कैसे टैग्स लगाए जाते हैं, कैसा थंबनेल लगाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो मैं अब आपको बताता हूँ टैग्स। टैग्स अगर आपको पता है कि कहां से मिलेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। उस ऐप का नाम है ट्यूब बडी। आप ट्यूब बडी को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, ऊपर टॉपिक सर्च करोगे उसके रिगार्डिंग नीचे बहुत सारे सजेशन में दे देगा, चाहे तो आप वहां से भी टैग्स को कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज लाइक आपने जैसे यही चैनल, आपने यही वीडियो बनाई हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, सो आप जैसे यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना ऊपर हाउ टू ग्रो यूट्यूब, सो ऑटोमेटिक आपको नीचे एक टैग्स की लिस्ट दे देगा। आपको सिंपली करना क्या है, सेम वही टैग्स अपने डिस्क्रिप्शन में या आपके जो टैग्स का ऑप्शन है आपको वहां पे पेस्ट कर देने हैं। एंड जो आपका टाइटल हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग, इन तीनों में वो सेम टैग होना चाहिए, क्योंकि ये अगर तीनों में सेम होगा तो आपकी जो वीडियो होती है सर्च इंजन पे आपकी फटाफट ग्रो करेगी। अगर आपकी वीडियो सर्च इंजन पे जाएगी जब ही जाके आपकी वीडियो रैंक होने के चांस रहेंगे। सो आपको ये पांचों पांचों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए यूट्यूब पर। अगर
अगर आप YouTube पर न्यू हो तो आप आने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, जो भी आप चैनल बनाओगे फर्स्ट वीडियो अपलोड करोगे आप फटाफट शेयर करना स्टार्ट कर दोगे WhatsApp ग्रुप में, इधर ग्रुप में, उधर ग्रुप में। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो क्या होगा कि अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो तो अगर शेयर करके आप सिर्फ जबरदस्ती उनसे कितनी देर वीडियो करवा सकते हो, आप सिर्फ 1 मिनट वो देखेगा, 2 मिनट देखेगा, 3 मिनट देखेगा, उससे क्या होगा जैसे कि मैंने बताया वॉच टाइम कम होगा, आपकी वीडियो की रैंक डाउन होगी, रैंक डाउन होगी तो आपका चैनल, तो आप भूल ही जाओ कि आपका चैनल ग्रो होगा। सो आपको कुछ ऐसा करना है कि अपनी वीडियो को डालना है, टैग्स अच्छे डालने हैं, थंबनेल अच्छा लगाना है, सब कुछ अच्छा लगाना है। स्टार्टिंग में आपके भले ही व्यूज कम आएंगे बट जोन से भी व्यूज आएंगे वो जेन्युइन आएंगे, आपके मन में भी ये नहीं रहेगा कि हमने फलाना बंदे को शेयर किया था उसने देखा, जो भी व्यू आएंगे जेन्युइन आएंगे एंड वो स्टम जो आएगा वो जेन्युइन आएगा। एंड सेकेंड आपको क्या नहीं करना कि किसी भी ग्रुप में जाके लाइक यूट्यूब पर जाकर या टेलीग्राम पर जाकर किसी को ये वाला खेल नहीं खेलना, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। अगर आप ये वाला खेल खेलते हो सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये काम करते हो सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो सेकंड पर्सन है सामने वाला जिससे आप सब्सक्राइब करवा रहे हो वो आपका चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, बट कितनी देर के लिए, 5 या 7 मिनट के लिए। वो आपको सिर्फ सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट देगा, मैंने सब्सक्राइब किया, बट बाद में वो अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा। वो खुशी सिर्फ 2 मिनट की रहेगी कि हाँ मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर था, बट जब जाएंगे फिर आपको खुद ही एक अंदर से टूटने लगेगा क्या यार ये तो आ रहे हैं जा रहे हैं। सो आपका खुद अंदर से ना जो भी आपका कॉन्फिडेंट होगा वो सारा डाउन होता जाएगा। सो कुछ ऐसे ट्राई करो कि अपने आप जोन से भी ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स आए आपके पास, तो आपको भी खुशी फील होगी, आप भी कंटेंट अच्छा बनाने का ट्राई करोगे, सब कुछ आप ऑटोमेटिक सब कुछ सही ढंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बट ये सब्सक्राइबर वाला कभी खेल मत खेलना, अगर आप ये खेलते हो तो आप भूल जाओ कभी आप यूट्यूब पर ग्रो कर पाओगे। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि हाँ आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो सेम वही मैं फॉलो करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी सब वही फॉलो करो। अगर वही सब आप फॉलो करके चलोगे तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ एक दिन आपका चैनल भी ग्रो होगा, बट टाइम लगेगा कि हर चीज टाइम लगती है, चाहे आप अपना बिजनेस कर लो या किसी के पास जॉब कर लो। अगर जॉब करते हो तो सैलरी ग्रो होने में टाइम लगता है, अगर बिजनेस करते हो तो उसे ग्रो होने में टाइम लगता है। इसे भी एज ए, चाहे तो अपना जॉब ले लो एज ए बिजनेस ले लो, तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने वीडियो डाली एंड सब गायब, आपने वीडियो डाली उसके बाद आप इसका रिव्यू लो, आपके पास कितने टाइम का वॉच टाइम आ रहा है, किस टाइम से किस टाइम तक आपके पास ऑडियंस रिटेंशन आ रही है, सब कुछ आप लो, उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करो। सो अगर आप सब कुछ टाइम टू टाइम करते रहोगे एंड टाइम टू टाइम आप देखते रहोगे कि हाँ क्या आपको डालना चाहिए, किस कंटेंट पे आपके ज्यादा व्यू आ रहे हैं, सब कुछ अगर टाइम टू टाइम करोगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपका चैनल बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। एंड टाइम देना स्टार्ट करो, कोई भी अगर आपको डीमोटिवेट करता है डीमोटिवेट मत हो, सिर्फ अपने काम से काम रखो, चाहे वो कोई कुछ मर्जी बोले, आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपने काम से काम। बस आज की वीडियो में इतना ही समझाना था एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जाइए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल बटन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जोन से मेरे न्यू अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद।